और ठीक करने के लिए पहले उनको जानना जरूरी होता है। इसलिए कल मैंने खुद बस में ट्रैवल किया, मैंने पैसेंजर से भी बात की है, मैंने बस अड्डों की देख रेख को भी देखा है, मैंने कर्मचारियों से भी बात की है जो बस चला रहे थे या अन्य कर्मचारी बस स्टैंड पर बैठे हुए थे। अब आगे चल के डिपार्टमेंट की मीटिंग लेंगे चंडीगढ़ में, अधिकारियों को बुलाएंगे और फिर और क्या क्या समस्याएं हैं उन्हें से जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनको हल करेंगे। पहले जो है, मैं तो बीजेपी का संस्कारित कार्यकर्ता हूं, हमारे लिए विभाग कोई मायने नहीं रखता, हमें तो काम करना सिखाया जाता। और मैंने तो कहा था, बुलंद आवाज में कहा था कि मेरी सरकार बन गई, मुझे चाहे चौकीदार बना दो, मैं वो काम भी अपनी पूरी निष्ठा से करूंगा। हमें यही सिखाया जाता। क्या हम अब करेंगे उनको, मैंने आपको बताया ना कि पहले चीजों को समझना जरूरी होता। अभी और भी जाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे, फिर विभाग को भी देखेंगे। नहीं नहीं देखिए अब देखिए, मुझे रात 12:05 पर लोग तो पूछ रहे होंगे, मैंने तो किसी से पूछा नहीं, क्योंकि मैंने तो कहा था मुझे चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दो, मैं राजी हूँ, मेरी सरकार है, सारा काम करना हमने। तो मुझे कोई वो नहीं था कि ये जानकारी भी नहीं थी कि आज पोर्टफोलियो आएंगे। पर रात को अपनी जो मेरी आदत है उसके अनुसार जब मैं सोने लगता हूँ तो मैं लास्ट समाचार देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने देखा तो मुझे बिजली मंत्री बनाया गया था, और भी दो डिपार्टमेंट दिए थे। मैं कहा ठीक है, मैं लाइट बंद करके सोने लगा तो मेरे मन में दूसरा ख्याल जो आया कि भाई मेरा कोई बिल तो पेंडिंग नहीं है, क्योंकि चुनाव में लगे हुए थे। तो मैंने तुरंत मोबाइल पर अपना बिल देखा, अभी उसकी ड्यू डेट बाकी थी वैसे, पर 12:32:47 पे मैंने अपना बिल दे दिया। मैंने कहा पहले हम अपना देंगे तभी तो लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई आपने बिल टाइम पे दिया करो, तभी तो करेंगे लोगों को। सरकार का हर डिपार्टमेंट लोगों के लिए है, वो हर डिपार्टमेंट लोगों को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है, सारे डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सब कुछ देखेंगे, देखने के बाद करेंगे और जो बेहतर हो सकता होगा वो करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। देखिए ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए सरकारों को आदेश भी जारी करना, अधिकारियों को पेश होकर अपनी बात कहने और सुनने के लिए भी कह रहा है। और हम तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं उसके मुताबिक ही कर रहे हैं। ऐसा है, अगर आप इनके पुराने बयान देखो तो पुरानों में पंजाब का ज्यादा कहते थे, अब पंजाब में क्योंकि अपनी सरकार आ गई तो अब खाली हरियाणा का कहते हैं। ये एक कल्चर है आम आदमी पार्टी का कि खुद को ठीक ना करके दूसरों पर दोषारोपण करके राज करना। आप मुझे बताएं, आपने जमुना को साफ करने का लोगों से वादा किया था, कितनी साफ हुई यमुना? आज उसका आरोप भी हरियाणे पे लगाते हैं कि पानी हिमाचल से आता है, हम कह रहे हिमाचल से आता है। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी देश की जो पानी यमुना में आता है उसका बीओडी चेक करा ले,
कि जब तक वो हरियाणा में रहता उसका कितना, मात्र 2 या 3 है, और जब वो दिल्ली में प्रवेश कर जाता है और ओखला तक, तब उसका बीओडी कितना। तो वो बीओडी तो सारा दिल्ली का है, उसको दिल्ली की सरकार ने ठीक करना है, और नहीं करते। जब झाग बनती है क्या देते हैं, हरियाणा से आ रही है सारी बातें। I am trying to understand कि क्या क्या कहा गया और क्या क्या किया जा सकता और क्या क्या कर सकता। सर, मंत्रालय में बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेबर डिपार्टमेंट बनाया जाता है मजदूरों की समस्याओं को देखने के लिए, उनको हल करने के लिए, परंतु जैसा मुझको लगता है कि ये मजदूरों के नहीं, ये इंडस्ट्रियों की परवाह ज्यादा करते हैं, करनी चाहिए उनकी भी, परंतु लेबर मंत्रालय को पहले लेबरर्स की स्थिति, उनको मिनिमम वेज मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कितने घंटे काम लेना चाहिए कितना घंटा ले रहे हैं, वहाँ पर मानवीय सुविधाएं जो होनी चाहिए वो हैं या नहीं है, लेबर मंत्रालय को ये देखना चाहिए। तो इसकी भी अभी बैठक लेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया अभी क्या क्या ये कर रहे हैं और क्या करना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से, और वो कराएंगे। सर एक सवाल, तो अब जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसकी आवश्यकता खत्म कर दी, उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि सभी अधिकारी समस्याओं को सुने, तो फिर अब उसकी कहाँ रह गई आवश्यकता, अब सारे अधिकारी सुनेंगे उसके। और आखिरी सवाल, पूरी जानकारी नहीं है क्या केस थे क्या नहीं थे, क्या इसमें कोई कोर्ट का दखल था कोई आदेश था, पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता। ठीक, ठीक सर, थैंक यू। और पूछ लो अब।